हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड केरेडारी रोड में 200 विस्थापित महिला अपने पैर पर खड़ा होने के लिए बड़े ही लगन और परिश्रम के साथ जुटी हुई हैं। ये वो महिलाएं हैं जो उत्खनन कार्य के कारण विस्थापित हो गई। विस्थापित होने के बाद इन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ा। खेती वाली जमीन जो सोना उगला करती थी, वहाँ से कोयला निकलना शुरू हो गया। ऐसे में बेरोजगार भी हो गई, लेकिन इस चुनौती को उन्होंने अपनी कामयाबी का डगर बना लिया। पहले कंपनी के द्वारा इन्हें कपड़ा सीने का ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें पैंट, शर्ट, जैकेट, कोट, स्वेटर, स्कूल के कपड़े, ट्रैक सूट शामिल थे। जब ये हुनरमान हो गई तो अब बड़े बड़े मॉल के प्रबंधक इनसे गारमेंट्स बनवा रहे हैं। हजारीबाग ही नहीं, महानगरों में भी इन महिलाओं का बना हुआ कपड़ा बिक रहा है। पहले हम घर में बैठे रहते थे, किसी तरह से रोजी रोटी नहीं था मेरे पास। अब हमको रोजी रोटी मिल रहा, मिला कंपनी त्रिवेणी अप्लायंस में। अभी हम बहुत अच्छा जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे सिलाई होता है, सिलाई करते हैं, और हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं। पे फैक्ट्री इसलिए शुरू हुई है कि हम लोग का काम जमीन ले लिया गया है, इसके वजह से हम लोग को तो कंपनी रोजी दी है यहाँ पे काम खुलवा के। और पहले हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, दुमका गए थे ट्रेनिंग, 3 महीना वहाँ ट्रेनिंग दिए, उसके बाद यहाँ आए। यहाँ सब कुछ मतलब हम लोग सिला करते हैं, शर्ट से यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म, बड़े बड़े अथी ऑर्डर आता है उसमें उसको सिला कर लेते हैं। सर भी हम लोग का जमीन ले कंपनी ले लिया था, ले लिया गया तो कंपनी की हम बेरोजगार हो गई, तो ये सब जाएगी कहाँ काम करने के लिए, इसलिए यहाँ खोला गया कि अपने क्षेत्र में काम करेगी। गारमेंट सीने वाली महिलाएं भी बताती हैं कि पहले हम लोगों की स्थिति बेहद ख़राब थी। हम लोगों का जमीन NTPC के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और इसके बाद हम लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में कंपनी के लोगों ने हम लोगों से बात किया और बताया कि कोयला उत्खनन करना देश के लिए ज़रूरी है, इसके लिए आपको ज़मीन देना होगा। आप लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा और आप लोग उस ट्रेनिंग को पाकर खुद के पैर पर खड़े हो सकते हैं। ऐसे में हम लोगों ने ट्रेनिंग पाया और आज हम पैसा भी कमा रहे हैं, जिससे हमारी घर की स्थिति बदल रही है। NTPC द्वारा कोल माइनिंग खोला गया, जिसमें यहाँ का जमीन को कोयला खदान से जोड़ा गया, तो बाकी लोगों को विस्थापित के रूप में हुआ, तो उन लोग को बेरोजगार हो जाते, इसलिए रोजगार देने के लिए यहाँ पे ये फैक्ट्री खोली गई कपड़ा वाला, जिसमें हम लोग रोजगार के रूप में भी काम कर रहे हैं। ये नहीं खुलता तो हम लोग विस्थापित थे, तो यहाँ वहाँ काम के लिए भटकना पड़ता, कहीं दूर जाना पड़ता, यही दिल्ली बम्बई में कोई जाते, कोई लोकल रांची या और कहीं जा के काम कर सकते थे। हम सारे लोकल में ही नहीं हैं, लंगातू, बड़कागांव, छोटका चेपा, आरा, जुगरा, सोनबरसा, ये सब लोकल महिला यहाँ पे काम करते हैं। हम लोग सारे लोकल हैं यहाँ पे। हम लोग सेट बनाते हैं, जैसा जहाँ से ऑर्डर आता है हम लोग वैसा बनाते हैं। वो शर्ट भी आता है यहाँ पे, पैंट शर्ट में यूनिफॉर्म भी आता है। और कोरोना टाइम में बहुत सारा यहाँ पे ऑर्डर आया था, हम लोग सारा वो बना के दिए। बहुत खुशी था, बहुत ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग अपना खुद का शर्ट बना के अपना फैमिली को, पापा को, भाई को पहनाते हैं, पूरा प्राउड फील होता है कि ये हमारा कंपनी का, ये हम बनाए हैं। कंपनी के प्रबंधक बताते हैं कि गारमेंट्स कंपनी में लगभग 200 महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ का बना कपड़ा अलग अलग बड़े बड़े कंपनी को बेचा जाता है। यही नहीं, अब हम लोग अपना क्षेत्र भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने की तैयारी चल रही है, ताकि महिलाओं के द्वारा बनाया गया कपड़ा विदेशों तक जाए। कंपनी के कर्मी भी बताते हैं कि यहाँ 200 महिलाएं जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं, वे सभी विस्थापित हैं। ये त्रिवेणी अर्थ मूवर्स मदर कंपनी है, जिन्होंने त्रिवेणी अपैरल्स के नाम से यहाँ पे फैक्ट्री खोला है। और इसका मकसद ये था कि जितने लोग भी माइंस में डिस्प्लेस हुए, उनको रोजगार देने के लिए। और हम लोग का मुद्दा था महिला सशक्तिकरण भी, ताकि महिलाओं को रोजगार का मौका मिले, वो लोग अपने बल पे खड़े हों और कहीं भटकना ना पड़े उनको, अपने गांव में उनको रोजगार मिल जाए। जैसे हमारे पास ब्रांड्स हैं, रिलायंस का ऑर्डर है, फिर आदित्य बिरला फैशन है, वहाँ से ऑर्डर है, और भी जो प्लान है। इनके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने का। इन सब के बाद
ताकि हमारा मार्केट और भी बढ़े और भी। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक इस बात को लेकर खुशी जाहिर किया कि हमारे यहाँ 200 महिलाएं जो विस्थापित हो गई थी वह स्वरोजगार से जुड़ गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन महिलाओं को जब ट्रेनिंग दिया गया तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये अच्छा से काम कर पाएंगी, लेकिन धीरे धीरे इनके काम में निखार आया। आज ये गारमेंट्स बनाकर विभिन्न कंपनियों को सप्लाई कर रही हैं। इनमें से कुछ महिलाएं हैं जो क्वालिटी चेक भी करती हैं। ऐसे में एनटीपीसी और त्रिवेणी सैनिक कंपनी ने मिलकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम भी क्षेत्र में किया है। बकरी बरवाड़ी कोल माइंस ओपन किया गया है एंड इस क्षेत्र में मतलब देखा गया है कि बहुत बेरोजगारी है, सब नौकरी चाहते हैं कि माइन में काम करे। तो माइंस में जितना लोग एम्प्लॉयड है वो तो है ही, बट साथ साथ में यही सोचा गया एनटीपीसी एंड हमारे जो एमडी वो है त्रिवेणी सैनिक द्वारा कि हम लोग ये माइनिंग के अलावा और भी कुछ ऐसा चीज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा लोगों को एंगेज एंड एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो उसी क्रम में ये आइडिया आया था कि एक गारमेंट फैक्ट्री यहाँ खुला जाए जिसमें यहाँ के क्षेत्र के जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करके उनको उसमें काम करने का मौका दिया जाए। तो ये गारमेंट फैक्ट्री इसी उद्देश्य से खुला गया था एंड इसमें अभी 200 से ज़्यादा महिलाएं काम करते हैं एंड जो कपड़े वो सिलते हैं, जो फैशन ड्रेसेस गारमेंट्स वो बनाती है, ये बहुत बड़े पॉपुलर ब्रांड्स को सप्लाई होते हैं। उनका सप्लाई चेन में ये हमारा गारमेंट फैक्ट्री भी एक पार्ट है जिससे 200 से ज़्यादा महिलाओं को अच्छे से उपाधि मिला हुआ है, वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। एंड हम ये मानते हैं कि एक जब हम बात करते हैं महिला का सशक्तिकरण, ये एक अच्छा उदाहरण है। 200 महिलाएं आज गारमेंट फैक्ट्री में कपड़ा सिलाई करने का काम कर रही हैं जिससे वे आत्मनिर्भर भी हो रही हैं, साथ ही साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। निसंदेह कहा जा सकता है कि ये वैसी महिलाएं हैं जो विस्थापन का दर्द झेला, लेकिन आज उस विस्थापन को ही उन्होंने शक्ति बना लिया है। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।